इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपनी नई सर्विस डाक पे को लॉन्च कर दिया है। डाक पे बेसिकली एक यूपीआई सर्विस है जिसकी मदद से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन मार्केट में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने आजकल देखा होगा कि जो शॉप का जो पेमेंट काउंटर होता है वहां पर उन्होंने एक क्यूआर कोड प्रिंट करके लगाया होता है, तो आप उस क्यूआर कोड को इस डाक पे ऐप की मदद से स्कैन करके कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नई सर्विस डाक पे को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप डाक पे आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा आप डाक पे ऐप की मदद से किस तरीके से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी वीडियो मिलती रहती है। तो जल्दी दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि किस तरीके से आप डाक पे ऐप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में पहुंच चुके हैं और आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डाक पे बाय आईपीपी। ये ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। तो चलिए मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर नीचे आपको एक एरो का सिंबल मिल रहा है, तो चलिए इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपका जो ड्यूल सिम फोन है तो आपको एक सिम सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए मैं एक सिम सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर दिया गया है। तो चलिए यहां पर ओके बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्म ओपन हो गया है, आप इस सिंपल से फॉर्म को ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देना है, यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, यहाँ पर आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर लिखा होगा उसको आपने वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी चार अंकों की एक पासकोड रख लेना है, नीचे उसी पासकोड को आपने कंफर्म कर देना है, उसके बाद इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपनी सारी की सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपनी एक यूपीआई आईडी सेट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको सजेशन भी दी जा रही है, अगर आपको इस सजेशन में से आपकी कोई भी आईडी अच्छी लगती है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नाम से कोई आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने नाम से आईडी बना सकते हैं। नाम से आईडी बनाने के लिए मैं यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देता हूँ और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आईडी आप बनाना चाहते हैं क्या वो अवेलेबल है या नहीं। तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाली आईडी जो है हमें अवेलेबल नहीं है, तो हम सजेशन में से कोई भी एक आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आईडी सिलेक्ट कर ली है, यहाँ पर हम नीचे क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज मिल चुका है कि हमारी यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आपके सामने बैंक की एक लिस्ट आ जाएगी, आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है आप उस बैंक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने बैंक की ऑप्शन आ जाएगी, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो आईडी क्रिएट हो चुकी है और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो सबसे नीचे आपको देख सकते हैं कि पांच ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। सबसे पहली ऑप्शन है होम, इसके बाद ऑप्शन है अकाउंट्स, उसके बाद ऑप्शन है स्कैन एंड पे और आगे की ऑप्शन है मैंडेट्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पर आपको पे ट्रांसफर की एक ऑप्शन मिल जाती है और कलेक्ट की ऑप्शन मिल जाती है। तो चलिए एक एक करके इन सारी की सारी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है पे ट्रांसफर। तो अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रही हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। सबसे पहली ऑप्शन है यूपीआई की मदद से, दूसरी ऑप्शन है ओन अकाउंट अगर आप अपने ही किसी अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, और तीसरी ऑप्शन है अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट नंबर की मदद से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति को उसके बैंक अकाउंट और उसके आईएफएससी नंबर की मदद से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेंड टू अकाउंट की भी एक ऑप्शन मिल रही है। तो यहाँ पर आपने जिस भी व्यक्ति को जिस भी तरीके से पेमेंट करनी है तो यहाँ पर आपने उसकी यूपीआई आईडी एंटर कर देनी है या फिर यहाँ पर आप उसका अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है यहाँ पर एंटर कर देनी है और यहाँ पर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ट्रांसफर करके भी बताऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए मनी ट्रांसफर की भी एक वीडियो ले आऊँगा। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रही है कलेक्ट की। तो अगर आप किसी से पैसे रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कलेक्ट की एक ऑप्शन मिल जाएगी, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आप किस व्यक्ति से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी यूपीआई आईडी यहां पर एंटर कर दीजिएगा। तो यहां पर आप कितनी मनी रिसीव करना चाहते हैं जो वो यहां पर एंटर करने के बाद किस तारीख तक आपको पैसे चाहिए यहां पर उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की ऑप्शन मिल रही है, तो आप यहाँ पर अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंडेट की आपको ऑप्शन मिल रही है, तो मैंडेट ऑप्शन भी मनी कलेक्ट करने के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति से पैसे रिसीव करना चाहते हैं तो उसको पैसे रिसीव करने के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऑफलाइन मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर आपने शॉप के ऊपर देखा होगा कि बहुत सारी जो शॉप होती है उनके पेमेंट काउंटर पर एक क्यूआर कोड प्रिंट करके रखा होता है, तो उस क्यूआर कोड को आप इस स्कैन एंड पे की ऑप्शन की मदद से स्कैन करके कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अकाउंट्स की ऑप्शन मिल रही है, तो जैसे ही आप इस अकाउंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट की लिस्ट देख सकती हैं। तो चलिए वापस से होम में चले जाते हैं, तो जैसे ही आप होम बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको तीन लाइनें मिल रही हैं ऊपर, तो चलिए जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको और भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएगी। सबसे पहली ऑप्शन है मैनेज यूपीआई, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो मैनेज यूपीआई के अंदर अगर आप एक से ज्यादा यूपीआई आईडी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नई यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए सेम वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया है वही आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए वापस चले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको माई भीम यूपीआई क्यूआर की ऑप्शन मिल रही है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक क्यूआर कोड आ जाएगा, तो अगर कोई व्यक्ति आपको आपके क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करना चाहता है तो वो व्यक्ति इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर जीमेल की ऑप्शन मिल जाती है, तो आप किसी भी मीडिया पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्रिएट डायनामिक क्यूआर की ऑप्शन मिल जाती है। दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति से कोई फिक्स अमाउंट मंगवाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी से आप 2000 या फिर 3000 रुपए रिसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अमाउंट एंटर कर दीजिएगा। तो अमाउंट एंटर करने के बाद तो जैसे ही आप जनरेट क्यूआर कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो उसकी मदद से जब भी कोई व्यक्ति उस डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करने की कोशिश करेगा तो आपने जितनी अमाउंट उस क्यूआर कोड के अंदर एंटर की होगी वही अमाउंट वो व्यक्ति आपको ट्रांसफर कर सकेगा। तो चलिए यहाँ पर वापस चले जाते हैं, यहाँ पर आपको एक मैनेज अकाउंट की ऑप्शन मिल जाती है। मैनेज अकाउंट की मदद से आप अपने बैंक अकाउंट की लिस्ट देख सकती हैं। यहाँ पर आपको मैनेज बेनिफिशियरी की ऑप्शन मिल जाती है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को आप बार बार हर महीने पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाती है, आप यहाँ पर उसकी यूपीआई आईडी या फिर उसके बैंक अकाउंट की मदद से उसको यहाँ पर एज ए बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चेंज पासकोड की ऑप्शन मिल जाती है, तो जैसे हमने कुछ ही देर पहले लॉगिन करने के लिए एक चार अंकों का एक पासकोड सेट किया है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी यूपीआई आईडी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डी रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिंगरप्रिंट की, तो अगर आप इस ऐप के अंदर अपने फिंगरप्रिंट की मदद से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको आप ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको एक लैंग्वेज की ऑप्शन मिल जाती है, और अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट के भी ऑप्शन मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।